हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। तो ये क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस 1CS1 जो होता है सॉफ्टवेयर का पार्ट, उसका ये फिफ्थ एंड द लास्ट चैप्टर है। काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर है, द मोस्ट ईजीएस्ट एंड द शॉर्टेस्ट चैप्टर ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ CS। तो ये आज हम एक ही वीडियो के अंदर ख़त्म करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जो है एक वन शॉट वीडियो भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के रिलेटेड। सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग के रिलेटेड कॉमन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग सिक्योरिटी के बारे में। इसके बाद हम नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और फाइनली हम नेटवर्किंग के एप्लीकेशंस को जानेंगे। सो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि भले इसका वेटेज थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको जो है क्लास 12th में जब आप जाओगे तभी आपको CS2 के अंदर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी करके एक चैप्टर होगा, जिसके अंदर आपका ये जो बेसिक्स है वो वहाँ पर आपको यूजफुल रहेगा। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ये बहुत छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग है, इसे छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा। ये वन शॉट पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपका पूरा सारे टॉप टू बॉटम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के वीडियोज अपलोडेड है, प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, CS1 और CS2 दोनों भी पार्ट्स के। तो वो आप जो है चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं अगर आपका कोई चैप्टर नहीं हुआ है तो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। फर्स्ट हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे मेन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपकमिंग अभी जो वीडियो चल रहा होगा उसके अंदर बताते जाऊंगी। तो आप अकॉर्डिंगली जो है अलग से नोट बना लीजिएगा या फिर वही के वही पर स्टार मार्क या फिर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ताकि जब भी आप रिवाइज करेंगे आप वहाँ पर वो जो सारे नोट या फिर मार्क किए हुए जो पॉइंट्स हैं वो आप पहले प्रायोरिटी वाइज पढ़ें। सो इंट्रोडक्शन में ये लिखा होता है कि कंप्यूटर्स जो है वो आजकल हमारे लाइफ के एसेंशियल पार्ट बन रहे हैं। अ यूज़र वर्क्स एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग कंप्यूटर्स पर हम काम करते हैं, तो जो डेटा हम यूज़ करते हैं वो फ्लॉपी डिस्क के ऊपर हम लेते हैं या फिर अदर प्लेसेस के ऊपर लेते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्लॉपी डिस्क हम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर सभी जो है वो बेसिकली पोर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है वो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र वगैरह करना, डीलोकेट करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो हम सभी कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडिया, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क, या फिर वो सिस्टम को हम कहते हैं नेटवर्किंग। तो यहाँ पर जो है वो नेटवर्किंग करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग, डिफाइन नेटवर्किंग एक्सेट्रा, नेम द कॉन्सेप्ट, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। सो आपको ये लिखना है पूरा, आप ये जो है वो समराइज करके लिख सकते हैं। मेन ये है कि बेसिकली सभी कंप्यूटर्स को हम जब भी ईच अदर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तभी एक ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, ताकि हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सके फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर, इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग। सिमिलरली कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो अवेलेबल है एवरीवेयर, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और उसका यूसेज। और तो और अलॉन्ग विद द कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट जो है वो आजकल बहुत पॉपुलर नेटवर्क है। तो आपको जैसे पता होगा इंटरनेट इज वन ऑफ द नेटवर्क्स जो हम बेसिकली आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो पूरा कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में और इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशंस के बारे में हम जानने वाले हैं। सो फर्स्टली इंट्रोडक्शन जाने के बाद जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक आता है वो है अब हमारा नेटवर्किंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो ऐसे जान लेते हैं, सबसे फर्स्ट आपको समझना होगा नेटवर्क क्या होता है। सो अभी जो हमने बात की थी वो नेटवर्किंग के बारे में बात की थी, तो वो एक प्रोसेस होता है, जबकि नेटवर्क स्पेसिफिकली क्या है, इट इज़ नथिंग बट इंटरकनेक्टिंग अ सेट ऑफ कंप्यूटर विद ईच अदर यूजिंग ट्रांसमिशन मीडिया इज नथिंग बट नेटवर्क। तो नेटवर्क से सिंपल सा ये डेफिनेशन भी कई बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज और सर्विसेज जो है वो हम शेयर कर सकते हैं। कौन से रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा डेटा हो गया, प्रिंटर हो गया, फ्लॉपी ड्राइव, CD ड्राइव, फैक्स, मॉडेम, ये सारी जो है वो रिसोर्सेज हैं जो हम नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और तो और हम डेटाबेसेस, फाइल या फिर सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। और तो और जो सभी इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं जो है वो एक सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स फॉलो करने चाहिए ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा के लिए। और वो जो रूल्स हैं जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं उन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। सो आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स या फिर MCQ के पैटर्न में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पैटर्न में प्रोटोकॉल ये टर्म को भी हाईलाइट किया जाता है, कई बार क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है। सो इस पैराग्राफ के अंदर नेटवर्क और प्रोटोकॉल का जो ये पूरा पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो सिंपल
नेटवर्क यहाँ पर बताया गया है, जहाँ देख सकते हैं पूरा वर्क स्टेशन है। ये सभी जो है वो एक ही फाइल सर्वर के साथ कनेक्टेड है, और अब देख सकते हैं इसके अंदर ये कुछ प्रिंटर काइंड ऑफ थिंग जो है वो ये सभी के साथ शेयर हो रहा है। तो ये एक तरह का एक सिंपल नेटवर्क हो गया, जहाँ पर फाइल सर्वर के थ्रू एक डिवाइस जो है वो फोर नोड्स के बीच में शेयर हो रहा है। सो ये बेसिकली जो है वो हम इन्हें नोड्स कहते हैं, वो हम अभी देखेंगे। और ये जो है वो हमारा एक रिसोर्स हो गया, किसके थ्रू शेयर हो रहा है, एक फाइल सर्वर के थ्रू। तो ये हमारा जो है वो ट्रांसमिटिंग मीडिया हो गया, ये सारे जो है वो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये सिंपल नेटवर्क हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेटवर्किंग अलाउज अस टू डू द फॉलोइंग। सो बेसिकली ये टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि हम नेटवर्क के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट इज हम इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, सेकेंडली हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, थर्डली हम प्रिजर्व कर सकते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन को, और लास्टली हम हमारे इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। सो देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट सभी के डिटेल्स। फर्स्ट है हमारा एक्सचेंज का इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली जब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तभी हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं फास्ट एंड ईजीएस्ट वे के अंदर। सिमिलरली सेकेंड है हमारा शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, प्रिंटर, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव एक्सेट्रा, ये सभी जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो भी हम शेयर कर सकते हैं, इंस्टेड कि हम सेपरेट सेपरेट रिसोर्सेज यूज़ करें हर एक जो कंप्यूटर है, सिस्टम है उसके लिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है हार्डवेयर का वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग इन्फॉर्मेशन। तो जैसे हमें पता है कि नेटवर्क के थ्रू जो है स्पेसिफिक स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हमारा सारा इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहता है, स्टोर रहता है, और ऑथेंटिकेटेड पर्सन के अकॉर्डिंग, उसके डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो हम अवेलेबल करा सकते हैं सारा जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो। तो बेसिकली ये ऑथेंटिक होता है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हम स्पेसिफिक पर्सन को दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। साथ ही ये जो हमारा सारी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहता है, तो ये एक नेटवर्क का एडवांटेज है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। तो जैसे हमने कहा ऑथेंटिकेटेड पर्सन के पास ही वो राइट्स होते हैं, और उसी के डिमांड के ऊपर हम इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करवाते हैं। तो अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये नेटवर्क के थ्रू हम नहीं कर सकते हैं, वो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहता है। तो इस वजह से जो है वो प्राइवेसी हमारी मेंटेन होती है, सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर जो हम करते हैं उसके रिलेटेड। साथ ही इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई भी अनऑथेंटिकेटेड पर्सन के हम पास नहीं देता है। तो ये बेसिकली पॉइंट रिपीट हुआ। सो हम देख सकते हैं ये जो है वो सारे प्रोसेसेस है जो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। सो ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि कितने टाइप्स के हमारे नेटवर्क के इंस्टॉलेशंस होते हैं। सो नेटवर्क के इंस्टॉलेशंस अलग है और टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स अलग है। कई बार जो है वो आपको नेटवर्क इंस्टॉलेशंस के बारे में पूछा जाता है और आप जो है वो आंसर टाइप ऑफ नेटवर्क्स का लिखते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में नेटवर्किंग इंस्टॉलेशंस के बारे में पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में पूछा गया। सो फर्स्टली आपको ये जानना है कि थ्री टाइप्स के हमारे पास नेटवर्क इंस्टॉलेशंस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सेंट्रलाइज्ड इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टॉलेशन, और लास्टली हमारा होता है कोलैबोरेटिव इंस्टॉलेशन। तो ये बेसिकली आपके जो ये टर्म्स हैं उसी से आपको क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट कि बेसिकली क्या होता है हर एक के अंदर। फर्स्ट होता है हमारा सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इंस्टॉलेशन। तो जैसा आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है हमारा सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इंस्टॉलेशन। तो फर्स्टली कि इसके अंदर जो है वो एक सर्वर मौजूद होता है जो कि हर एक नोड्स को, हर एक पीसीज को, हर एक सिस्टम को कनेक्ट कर रहा होता है। तो वो जो सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है उसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, जो कि हर एक पूरा काम कर लेता है टॉप टू बॉटम। जो एंटायर वर्क है वो उस मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम होता है। साथ ही हम देखते हैं कि जो अदर कंप्यूटर्स जो होते हैं उन्हें हम डम टर्मिनल्स कहते हैं या फिर नोड्स कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए काम करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो सारे हैं वो हमारे नोड्स हैं, जो डमी होते हैं, डमी जो होते हैं वैसे है ये सारे सिस्टम्स। साथ ही हम इसके अंदर देखते हैं कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह काम करता है, जबकि इसका जो पूरा कंट्रोल है वो मेन फ्रेम के पास है, जो हमारा मेन सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर होता है उसके ऊपर, जो कि 100% कंप्यूटिंग करता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक मशीन यहाँ पर ये सारे सिस्टम्स के अंदर शेयर हो रही है, और ये जो कंट्रोल कर रहा है वो मेन फ्रेम है। तो यहाँ पर ये हमारा सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर हो गया, इसलिए इस सिस्टम इस इंस्टॉलेशन का नाम है सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इंस्टॉलेशन, क्योंकि एक ही इसका मेन सेंटर है जिसके थ्रू सारा काम हो रहा है। जबकि आप अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की तरफ देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसी तरह का कुछ आपको डायग्राम दिखाई देगा।
तो ये जो है वो मेजर प्रोसेसिंग है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर, और ये जो है वो माइनर प्रोसेसिंग है। तो बेसिकली यही फर्क है दोनों के बीच में कि डायग्राम तो आपको सेम दिख रहा होगा लेकिन इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है दोनों की वो थोड़ी अलग है। इसके अंदर नो कंप्यूटिंग था, यानी कि ये सिर्फ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह ही सर्व कर रहे थे और सारा 100% कंप्यूटिंग इसके पास था। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा जो प्रायोरिटी है सारे काम का वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि कम्प्लीटली हमारा जो मेन सर्वर है वही काम करें। ये जो है इसके पास प्रोसेसिंग ज़्यादा दी जाएगी जबकि इनके पास जो है वो कम प्रोसेसिंग दी जाएगी, ये फ़र्क होता है इसके अंदर। ये नहीं कि ये सारे जो है वो बिना प्रोसेसिंग के हैं, ये सभी जो है वो कुछ ना कुछ प्रोसेस ज़रूर कर रहे होंगे। सो ये दोनों की तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज नेटवर्क के बीच में डिस्टिंग्विश होता है, तो आप ये जो पॉइंट है वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इंस्टॉलेशन। तो जैसे हमने कहा था अभी तुरंत पहले थोड़ी देर पहले कि इसके अंदर जो है वो पीसीज, सारे पर्सनल कंप्यूटर्स जो है वो हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के होते हैं। साथ ही इसके अंदर जो प्रोसेसिंग की जो जाती है वो हर एक नोड, हर एक इंडिविजुअल के नोड के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि हर एक नोड पीसी जो हमारा टर्मिनल है वो प्रोसेसिंग करें और जो मेन कंप्यूटर है वो 100% प्रोसेसिंग ना करते हुए सारी प्रोसेसिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सो ये सम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कंसेप्ट, मोर अमाउंट ऑफ डेटा गेट्स प्रोसेस्ड इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट होता है हमारा कोलैबोरेटिव नेटवर्क इंस्टॉलेशन, जिसे हम कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग के बारे में पूछा गया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक दूसरा नाम है कोलैबोरेटिव नेटवर्क इंस्टॉलेशन का। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली प्रोसेसिंग जो है इनेबल्स द कंप्यूटर इन अ कोलैबोरेटिव मैनर, जिसके अंदर हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज और सर्विसेज को भी हम शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर्स जो काम करते हैं वो कोलैबोरेशन में करते हैं एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर इसके अंदर काम चल रहा होता है, और ऐसा नहीं कि एक ही कंप्यूटर है जो सारा प्रोसेसिंग कर रहा है और बाकी सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिस जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेज के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन शेयर कर दिए जाते हैं या फिर कोई और प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट करवा दिए जाते हैं। और ये जो है वो और भी ज़्यादा बेटर वे है और भी ज़्यादा एफिशिएंट वर्क है। कोलैबोरेटिव नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंटरनेट ब्राउजिंग। तो जैसे किसी ने कुछ सर्च किया उसके ऊपर तुरंत उसको उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं, तो बेसिकली इसी तरह का होता है कि कोई भी रिसोर्सेज जो है वो शेयर किए जाते हैं हर एक सिस्टम के अंदर। तो ये बेसिकली हमारा थर्ड टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन हो गया। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है थ्री टाइप्स के हमारे पास बेसिक नेटवर्क्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन कहते हैं। फिर होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन कहते हैं। और लास्टली होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम वैन कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो है वो आपको नेटवर्क और उसके टाइप्स किस तरह से है वो यहाँ पर आपको बता के आ गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ए बी सी और डी जो है ये सारे क्या है और ये एरोस किस तरह से क्यों बने हैं, ये बेसिकली हम समझते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं। तो नेटवर्क जैसे हमने कहा कि वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है जो कि कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है दो या फिर दो से ज़्यादा वर्क स्टेशन के अंदर। ईच वर्क स्टेशन जो है नेटवर्क का इसे हम नोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर जो है वो सिस्टम ब्रेक होते हुए आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये सारा कुछ जो है वो इंटरकनेक्टेड है, आप देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट है वो सभी से कनेक्टेड है, सिमिलरली ये पॉइंट सभी से कनेक्टेड है, सिमिलरली एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो ये बेसिकली हर एक जो हमारा स्टेशन होता है उसे हम नोड कहते हैं। तो ये जो ए बी सी और डी है ये सारे हमारे नोड्स हैं, और जो बेसिकली कनेक्शन होता है उन्हें हम कहते हैं लिंक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ए बी सी डी जो है वो चार इसके नोड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। तो बेसिकली कितने सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम कवरेज एरिया के अकॉर्डिंग और जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इंटरनेट को जो है हम नेटवर्क को बेसिकली फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू लैन, मैन एंड वन। अभी देख लेते हैं इंडिविजुअली कि ये बेसिकली होता क्या है। सो फर्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क है वो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। फर्स्टली कि यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड रहता है टू ईच अदर इन स्मॉल एरिया, जो कि एक लोकल एरिया होती है। तो लोकल एरिया काफ़ी छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो बिल्डिंग्स या फिर कैंपसेस में लगे होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट होता है कि इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो हाई होता है क्योंकि बहुत कम एरिया है,
तो इसके अंदर जो भी एरिया कम होते हैं तो उसके अंदर जो है वो डेटा ट्रांसफर जल्दी से हो जाता है, एज कम्पेयर टू बहुत बड़ी अगर एरिया होगी तो उसके अंदर डेटा ट्रांसफर का जो रेट है वो लो हो जाएगा। तो ये आपको जाहिर सी बात जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय द नेटवर्क है वो लिमिटेड है, क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क है तो काफ़ी कम ज्योग्राफिकल एरिया वो कवर करेगा। नेक्स्ट रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं। सो ये बेसिकली हम किस तरह से रिसोर्सेज कनेक्ट करते हैं ये हमारा थोड़े इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत ही लोकल बेसिक तरह से जो है वो हम सारे रिसोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग या फिर कैंपस तक की ही है। सिमिलरली लैंड सिस्टम के अंदर जो है वो अलग अलग पीसी टर्मिनल्स हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन कंट्रोल टर्मिनल होता है जो कि हर एक नेटवर्क सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसे हम सर्वर कहते हैं। और सर्वर जो है वो मिनी कंप्यूटर भी हो सकता है या फिर एक मेन फ्रेम भी हो सकता है। सो ये कुछ लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन कहते हैं। सो फर्स्टली आपको जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन याद रखना है वो ये है कि जो हमारा मैन है वो लैंड से बड़ा होता है लेकिन मैन से छोटा होता है। इन द सेंस वो जो है वो मीडियम रेंज वाला नेटवर्क होता है जो कि दोनों के बीच में लाई करता है। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो मीडियम साइज नेटवर्क होता है। सिमिलरली इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल केबल नेटवर्क जो कि सिटी के अंदर लोकेटेड होता है। सो जो लैंड है उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे बिल्डिंग्स के बारे में, कैंपसेस के बारे में, तो उसका सिर्फ वहीं तक जो है उसका लिमिट था, लेकिन इसके अंदर हम कई सारी बिल्डिंग्स कई सारे कैंपसेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक सिटी बना सकते हैं जिसके अंदर जो है वो हम मैन को वर्क करा सकते हैं। सिमिलरली इसके और भी यूजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है पेजर सिस्टम के अंदर इसे हम यूज़ कर सकते हैं, कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम के तौर पे मैन यूज़ किया जाता है। साथ ही जो है हम इसे जो है वो केबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने देखा बेसिकली ये जो है वो कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी प्रोग्राम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी हम सैटेलाइट से सिग्नल लेकर जो है वो हम यूज़र के थ्रू पहुँचाते हैं, तो ये बेसिकली कनेक्शन का काम करता है सैटेलाइट के और यूज़र के बीच में। सिमिलरली पेजर सिस्टम के अंदर भी वही बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम को लिंक कराने का काम जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करता है। सेकंड थर्ड है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम वैन कहते हैं। सो बेसिकली वैन जो है वो कई सारे लैंड को हम इकट्ठा करते हैं तो हमारा वैन बन जाता है। इन द सेंस कई सारे बिल्डिंग्स कई सारे कैंपसेस जो भी हम एक साथ जो है वो एसोसिएट कर देते हैं तभी हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बनता है, जैसे इसका नाम ही बता रहा है पूरी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है कि इसका जो कवरेज एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही इसके स्टेशंस जो है वो बहुत नंबर में होते हैं, इसलिए हम जो है वो इसे वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। सिमिलरली वैन जो है वो इंटरकनेक्टिंग लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, कई बार जो है वो कई सारे जो लैंड्स है वो हम इंटरकनेक्ट करवा देते हैं तो वो जो है वो वैन हमारा बन जाता है। इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है नेशनल टेलीफोन सिस्टम, साथ ही सेलुलर मोबाइल फोन्स और पीजर, ये सभी जो है वो इसके कॉमन एग्जांपल्स है। वैन जो है वो कैपेबल होता है बहुत बड़े एरिया को कवर करने का, जितनी एक कंट्री हो सकती है पूरी की पूरी या फिर कई जो है वो नेशंस हो सकते हैं, स्ट्रीट्स हो सकते हैं, तो ये जो सारा कम्युनिकेशन के लिए हम दोबारा से यूज़ करते हैं ये वैन सिस्टम। तो जैसे आप देख सकते हैं लिंक्स हम कहाँ से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये जो है वो केबल्स के थ्रू हो सकता है, साथ ही माइक्रोवेव टॉर्च के थ्रू हो सकता है, या फिर सैटेलाइट लिंक भी हो सकते हैं, या फिर सभी ये कोई जो हमने डिस्कस किए हैं उनके कॉम्बिनेशन से भी हम लिंक्स बनवा सकते हैं बेसिकली सभी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा टेलीफोन सिस्टम हो गया, जो कि तीनों मीडिया यूज़ करता है, जो कि होता है हमारा केबल्स, माइक्रोवेव और सैटेलाइट लिंक्स कम्युनिकेशन के लिए। साथ ही हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है, साथ ही एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो सभी वैन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्टली जो है वो है ये है कि इसका एरिया कवर्ड बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट कि इसके अंदर डेटा ट्रांसफर बहुत स्लो होता है, लो होता है उसका रेट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लैंड। जैसे मैंने कहा था एरिया कम है तो बहुत झट से इसके अंदर जो है वो डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन एरिया बहुत बड़ी है तो पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है वो डेटा ट्रांसफर का रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो कनेक्शन की मीडिया है वो नॉर्मली टेलीफोन लाइन होते हैं, जो कि बेसिकली लैंड्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। सो ये इसका कॉमन एग्जांपल हो गया एक कनेक्शन मीडिया का,
जो कि यहाँ पर जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, तो टेलीफोन सिस्टम जो है वो यहाँ पर उन्होंने लिंक करवा दिया है कम्युनिकेशन सिस्टम्स के एसोसिएशन में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम अपना जो डेटा है वो हम प्राइवेट रख सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड हम रख सकते हैं, प्रिजर्व्ड रख सकते हैं, सो उसे ही हम बेसिकली कहते हैं हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी। लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी अगर हम उसकी बात करें तो कई बार जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। वो बेसिकली जो है दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो हार्ड सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो सकता है, नेक्स्ट जो है वो हार्डवेयर के रिलेटेड हो सकता है। अगर हम सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो जो है वो अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस ऑफ प्रोग्राम्स के रिलेटेड हो सकता है। कई बार जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स अलग अलग यूजर्स एक्सेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम्स हैं वो पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर प्रॉपर वे से स्टोर नहीं हो सकता। इसके वजह से जो है वो प्रोग्राम्स डैमेज हो सकते हैं या फिर डेटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है। तो ये सारे कंडीशंस जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आ जाता है। तो इसे मिनिमाइज करने के लिए हमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली वो ऐसे सिस्टम होती है जो कि हमारे डेटा को प्रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड रख सकती है, जिसके अंदर बेसिकली जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो मेंटेन्ड वे में हम स्टोर करते हैं, प्रॉपर प्रिजर्व वे में हम स्टोर करते हैं, ताकि वो डेटा कहीं लॉस, उसका लॉस, डेटा लॉस ना हो जाए। बेटर टेक्निक ये है कि हम सारे जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी जो सिस्टम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, हम उन्हें अडॉप्ट करें, ताकि जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो सिक्योरिटी, जो इनसिक्योरिटी है वो दूर हो जाए। साथ ही अगर हम हार्डवेयर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये होता है कि उसके अंदर के अनऑथेंटिकेटेड पर्सन के पास जो है वो हमारा इन्फॉर्मेशन चले ही जाता है, बिना हमारी परमिशन की, हम अलाउ किए बगैर उसके रिसोर्सेज, जैसे कि हमारे फ्लॉपी ड्राइव्स हो गए, हार्ड डिस्क हो गए, सीडी ड्राइव हो गए, एक्सेट्रा, ऐसे सारे नेटवर्क रिसोर्सेज जो है वो कभी कभार मिसप्लेस हो जाते हैं, मिसहैंडल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा डेटा लॉस हो सकता है अनऑथेंटिकेटेड पर्सन के हाथों। सो ये जो है वो हमारा हार्डवेयर सिक्योरिटी हो गया। इसके अंदर जो है वो बेसिकली यही पूरे पॉइंट कहा गया है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर तरह की अपनानी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि ये सारी सिक्योरिटीज़ हम मेंटेन करवाएं और हमारा कोई भी डेटा लॉस ना हो जाए। सो ये बेसिकली इसके अंदर कहा गया है, डिस्कस किया है। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशंस का। सो बेसिकली हम उसके दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स जानने के पहले हम भले ये जान लेते हैं कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। इट इज़ नथिंग बट द मेथड ऑफ ऑपरेटिंग अ नेटवर्क बाय डिसाइडिंग द नोड अथॉरिटीज। तो जैसे आपको पता है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये जो सारे होते हैं हमारे डम टर्मिनल्स जो होते हैं, इन्हें जो है वो हम नोड्स कहते हैं। सो बेसिकली ये सभी जो है वो एक सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये सभी जो है वो नोड्स है। तो इनके रिलेटेड, इनके एसोसिएशन में इन्हें हम ग्रुप करने के बाद जो अथॉरिटी हम इन्हें देते हैं, उसके रिलेटेड जो हमारे दो सिस्टम्स निकल कर आते हैं उन्हें हम कहते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस। तो फर्स्ट होता है हमारा क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है हमारा पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट जो क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होता है, इससे आपको नाम से ये पता चल गया होगा कि यह क्या होता है। बेसिकली इसके अंदर जो है नेटवर्क यूजर्स के पास होता है, लेकिन जो एक सर्वर होता है उसके अंदर जो कि कंट्रोल करता है सारे सर्विसेज को, वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू द यूजर्स। सो बेसिकली इसके अंदर जो है वो सर्वर भी इन्वॉल्व होता है और क्लाइंट यानी कि हम यूजर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो अगर हमें इन्फॉर्मेशन को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ और मुझे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना है, तो फर्स्टली वही इन्फॉर्मेशन मुझे एक सर्वर को देना होगा और फिर वो सर्वर जो है वो आपको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इन द सेंस मैं आपको डायरेक्टली मेरा इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ, मुझे पहले मेरा इन्फॉर्मेशन सर्वर को देकर फिर सर्वर आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस तरह से जो है वो क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके अंदर। इसके एग्जाम्पल है नोवेल नेटवेयर, जो कि बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल है और बेस्ट एग्जाम्पल है क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का। सो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर जो यूज़र है उसे रिक्वेस्ट करनी होगी सर्वर के पास, ताकि वो जो यूज़र है वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सके, साथ ही हम प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सके, डेटा को एक्सेस कर सके। और जो सर्वर है वो हाई परफॉर्मेंस वाला पीसी होता है, जिसके अंदर सारे जो परफॉर्मिंग जो टास्क होते हैं वो तुरंत हो जाते हैं।
तो उसके अंदर जो है वो हम सारे इन्फॉर्मेशन को तुरंत ट्रांसफ़र करा सकते हैं। हाईएस्ट ऑपरेटिंग स्पीड होती है इसकी, साथ ही इसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही इसके अंदर जो हार्ड डिस्क का साइज़ है वो भी बहुत बड़ा होता है। तो ये एक हमारा इसके अंदर प्लस पॉइंट हो गया कि अगर हमें क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन सेटल करवाना है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये भी इसके लिए हम कर सकते हैं। नेटवर्क इस तरह से जो हमारा नॉवल नेटवेयर है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं अगर हमें क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो। लेकिन इसके अंदर जो है वो क्लाइंट जो बेसिकली जो यूज़र है वो एक क्लाइंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए जो है वो इसे क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इसका जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वो है पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे हम देख सकते हैं इसके अंदर जो है आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इसके अंदर ऐसी कोई भी रिलेशन नहीं होती है जैसे हमने क्लाइंट सर्वर के अंदर डिस्कस किया था। इसके अंदर हमारा एक नोड जो है वो दूसरे नोड के पास जो है वो उसका जो सारा इन्फॉर्मेशन है डेटा है वो ट्रांसफ़र आसानी से करा सकता है, उसे कोई दूसरे सर्वर या फिर कोई थर्ड पार्टी ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये जो है वो हर एक पीसी को इक्वल राइट दिए जाते हैं, क्लाइंट सर्वर के सिस्टम की तरह नहीं होता है। और हर एक नोड जो है या फिर हर एक पीयर जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है दूसरी पीयर के साथ डायरेक्टली विदाउट सर्वर, इसलिए हम इसे पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसके अंदर जो हार्डवेयर का भी जो प्रायोरिटी होती है वो सभी नोड्स के लिए ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड या फिर ऑलमोस्ट इक्वल के बराबर होती है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है विंडोज 95, साथ ही विंडोज एनटी वर्क स्टेशन। तो ये सारे जो वर्क स्टेशन है वो इसके एग्जाम्पल्स है पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन का। इसके बाद अभी हम बात करने वाले हैं नेटवर्क एप्लीकेशंस की। सो ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि लिस्ट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क, तो ये इसके आंसर्स भी आपको आने चाहिए। सो ये हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्टली ये जो है वो अलग अलग वेज के थ्रू हम नेटवर्क को नेटवर्क्स के एप्लीकेशन देख सकते हैं। फर्स्टली हमारा कोलैबोरेटिव हो सकता है, सेकेंडली हमारा सर्वर बेस्ड हो सकता है। तो ये अलग अलग वेज हैं नेटवर्क एप्लीकेशन के। और तो और जो नेटवर्क का स्कोप है वो इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे हमारा इंटायर सेट ऑफ नेटवर्क जो है वो हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए वर्ल्ड के अंदर हर एक प्लेस से अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पॉसिबल हो पा रहा है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इंटरनेट। सिमिलरली इंटरनेट जो है वो हमारा वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है नेटवर्क्स का। और इंटरनेट के जो है वो अलग अलग एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में बहुत ही कम मार्क्स के लिए पूछा गया है, यानी कि 1 से 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो आपको सिंपली लिस्ट द एप्लीकेशन इस तरह से पूछा जाएगा, तो आपको ये सिर्फ लिस्ट कर लेंगे इस तरह से। या फिर अगर आपको एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द नेटवर्क एप्लीकेशन अगर ऐसा पूछा गया है तो आपको जो है डिटेल में हर एक को एक्सप्लेन करना होगा। सो बेसिकली इसके एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, फर्स्टली होता है हमारा ईमेल, फिर होता है हमारा वॉइस मेल, फिर हमारा होता है FTP, फिर WWW, फिर ई कॉमर्स चैट, फिर BBS, फिर यूजर ग्रुप्स। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन कि ये सभी कुछ क्या है। फर्स्टली होता है हमारा ईमेल। तो ईमेल अब तक जो है वो आपको सभी को पता चल गया होगा, ये हम सभी लोग यूज़ करते हैं ना डे टू डे लाइफ ईमेल। सो बेसिकली ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आपको ईमेल का फुल फॉर्म नहीं पता था तो आई होप कि आपको आज पता चल गया होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का मतलब होता है। इसके अंदर जो है वो मैसेजेस हम सेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ओवर अ नेटवर्क या फिर इंटरनेट। तो जैसे हम सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं हमारा ईमेल, तो उसके लिए जो है वो हर एक यूज़र के पास अपना खुद का एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और ईमेल एड्रेस का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से दिया जाता है, सबसे फर्स्ट हम यूज़र नेम मेंशन करते हैं अपना, इसके बाद हम @ निकालते हैं, और @ का मतलब होता है कि वो बेसिकली कहाँ स्टोर है, और फिर जो है वो हम यहाँ पर जो है वो लोकेशन लिख दें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जीमेल की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है हम यहाँ पर XYZ इस तरह से अपना यूजर नेम लिखेंगे। @ का मतलब होता है ये बेसिकली एड्रेस को लोकेट करता है, एड्रेस यानी कि @ यानी कि ये जो है वो यहाँ पर स्टोर है @thisplace। सो @gmail.com, तो जीमेल के अंदर जो है वो ये पर्टिकुलर यूजर नेम के सारे मेल्स रिसीव होगी। तो ये जो है वो इसका सिंटैक्स हो गया। यूजर नेम इन द सेंस जो हमारा रिसिपियंट का ईमेल नेम है वो यहाँ पर मेंशन होगा। @ का मतलब होता है कि ये बेसिकली एक कैरेक्टर होता है जो कि सेपरेट करता है ईमेल नेम को और लोकेशन को, और लोकेशन का मतलब वो प्लेस होती है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पर सभी रिसिपियंट्स की जो मेल है वो डिलीवर हो जाते हैं और स्टोर्ड हो जाते हैं, सेव्ड हो जाते हैं।
नेक्स्ट है वो नाउडेज हम ईमेल सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट हम ले सकते हैं वेबसाइट्स के अंदर. फॉर एग्जांपल www.hotmail.com हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल का जरिया है. नेक्स्ट है हमारा www.rediff.com, ये भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. इस तरह के कई जो है ईमेल सर्विसेज हम एक्सेस कर सकते हैं. इसके अंदर जो है वो यूज़र को रजिस्टर करना पड़ता है कोई कंपनी के साथ, और कंपनी जो है वो हमारी जो हम बेसिकली हम जो यूज़र्स होते हैं उन्हें एक ईमेल अकाउंट दे देती है जो कि इंडिकेट करता है यूज़र का नाम, वो सर्वर की जो कंपनी है वो, उसका नेम एक्सेट्रा. सिमिलरली हम वही ईमेल एड्रेस को यूज़ करके जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के भी साथ जिसके पास जो है वो उसी तरह का ईमेल मौजूद हो. तो इसके अंदर जो है वो सिर्फ थोड़े रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो ये है कि डेस्टिनेशन पर्सन के पास भी ईमेल होना चाहिए. नेक्स्ट है कि यूज़र जो है वो इसके अंदर टेक्स्ट, वॉइस साथ ही पिक्चर्स अटैचमेंट के फॉर्म में सेंड कर सकता है. इसके बाद जो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो होता है इसका वॉइस मेल. सो ईमेल की तरह ही वॉइस मेल होता है. इसके अंदर जो बेसिकली पहले जो है वो सिर्फ टेक्स्ट मेल्स सेंड किए जाते थे, लेकिन अभी जो है वॉइस इन्फॉर्मेशन भी हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. इसके अंदर भी यूज़र को जो है वो फाइल अटैच करना होगा. इसके अंदर आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके अंदर हम वॉइस डेटा को डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू वॉइस मेल के तौर पे सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं. इसके लिए जो है वो यूज़र को कोई भी मैसेज को रीड नहीं करना होता. इसके अंदर जो वॉइस आउटपुट है वही कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है. सो इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस के जगह हम वॉइस मैसेजेस डायरेक्टली सुन सकते हैं. ओनली द रिक्वायरमेंट ये होती है कि कंप्यूटर के पास जो है वो मल्टीमीडिया फैसिलिटी होनी चाहिए, साथ ही एक वॉइस मेल सॉफ्टवेयर होना चाहिए. तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वॉइस मेल अगर आपको चाहिए तो. नेक्स्ट हमारा FTP जिसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो बेसिकली ये जो है वो एक फास्ट एप्लीकेशन लेवल जैसे कि TCP/IP होता है प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक सेट ऑफ रूल्स कम्युनिकेशन के, कुछ रूल्स जो कि हर एक सिस्टम को फॉलो करनी चाहिए, विच इज़ वाइडली यूज फॉर ट्रांसफरिंग बोथ डेटा बेस्ड साथ ही बाइनरी फाइल्स टू एंड फ्रॉम रिमोट सिस्टम्स स्पेशली इंटरनेट के थ्रू. तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो हम FTP प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह का डाउनलोड करना होता है इंटरनेट पे. और ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो हम अभी क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे CS2 के अंदर, जिसके अंदर हम नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे होंगे तभी आपको ये डिटेल में पढ़ना होगा. नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब. तो वर्ल्ड वाइड वेब से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे. सो बेसिकली इसके अंदर जो है वो अलग अलग हम कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, जिसके अंदर जो है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो OS होते हैं वो हो सकते हैं, जिसके अंदर हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू. दोनों भी कंप्यूटर्स के पास अगर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है तब भी इसमें जो है वो डेटा ट्रांसफर हो सकता है. सिर्फ इतना है कि दोनों जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो डेटा फॉर्मेट है वो दोनों के लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जो कि ट्रांसफर हम कर रहे हैं डेटा को वही डेटा का फॉर्मेट. सिमिलरली जो हमारा www है वो एक इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट की तरह बिहेव करता है, और तो और सॉफ्टवेयर को हम वो एक्सेसिबिलिटी भी देता है डेटा को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करने के लिए. जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स के पेजेस हैं वो कंबाइंड टेक्स्ट हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, फॉर्म हो सकता है, कोई भी साउंड हो सकते हैं, एनिमेशंस हो सकते हैं, हाइपरलिंक्स हो सकते हैं, ये सभी के कॉम्बिनेशंस जो है वो डॉक्यूमेंट के पेजेस के अंदर हो सकते हैं. सो ये जो है सारी फैसिलिटीज हम www के थ्रू ले सकते हैं. नेक्स्ट हमारा नेटवर्क का एप्लीकेशन है वो है e-commerce. तो जैसे आपको पता है कि आजकल जो है वो बहुत सारे बिजनेसेस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उनके लिए जो अलग से सिस्टम होते हैं वो होता है e-commerce. तो जो वेब टेक्नोलॉजीज है जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं बिजनेस के सेक्टर के अंदर, जो वेबसाइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए हम क्रिएट करते हैं. ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो नाउडेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इंटरनेट का, जिसके अंदर जो है वो हम इसी को हम बेसिकली e-commerce या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं. बिजनेसेस जो है वो डायरेक्टली वेब के ऊपर सेट होते हैं, इसके लिए अलग से जो है ज्योग्राफिकल एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आजकल जो है वो इंटरनेट के ऊपर ई कॉमर्स बहुत ही ज़्यादा बूम पर चल रहा है.
साथ ही पीपल जो है वो मर्चेंडाइज के थ्रू, साथ ही रिटेलिंग बिजनेस के थ्रू जो है वो सारी अपनी बिजनेसेस चला रहे हैं डायरेक्टली वेबसाइट्स के ऊपर। इसलिए जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि हम कहीं कोई प्लेस ढूंढने, कोई जगह ढूंढने और फिर वहां पर जाकर बिजनेस को सेटअप करें, ये कॉन्सेप्ट जो है वो अभी आउटडेटेड हो चुका है। अभी सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है वेबसाइट्स के ऊपर, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेटवर्क एप्लीकेशन है वो है BBS, इन द सेंस बुलेटिन बोर्ड सर्विस। सो बुलेटिन बोर्ड सर्विस जो है वो एक इंटरनेट एप्लीकेशन है और कोई भी इसे इंस्टॉल कर सकता है, लोड कर सकता है, अगर उसके पास एक स्पेसिफिक स्पेशल तरह का मशीन के अंदर ऑलरेडी लोडेड सॉफ्टवेयर है तो। साथ ही जो बेसिक यूज़ है BBS का वो ये है कि हम एक जो यूज़र है वो दूसरे यूज़र के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है BBS के थ्रू। सो BBS जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं उसके अंदर, यूज़र को हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। साथ ही ये जो है वो सर्विस जो है वो ब्रॉडकास्टेड होता है, इन द सेंस किस तरह से हम अपना जो इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ प्राइवेट नहीं होता है, वो सभी लोग देख सकते हैं, बहुत सभी लोगों को जो है वो अपन आपका जो इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे हैं वो देख सकता है, वो पब्लिक होता है ना ही प्राइवेट होता है। तो ये जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपका ब्रॉडकास्ट हो जाता है, यानी सभी इसकी आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसके एक्सेस ले सकते हैं, तब यानी कि कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन वो ले सकता है आपका। साथ ही पीपल जो है वो रिक्वायरमेंट्स के थ्रू अकॉर्डिंग जो है वो सेंड करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं BBS के अंदर। समवन इन द वर्ल्ड हैविंग द इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन को सेंड कर सकता है ताकि उसको वो उसकी नीड फुलफिल हो जाए वो पर्सन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इस तरह से जो है इंसान किसी भी जगह पर मौजूद हो वर्ल्ड के अंदर उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है विथ लेस एफर्ट्स एंड इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। सो ये BBS होता है, वो भी अभी सिस्टम काइंड ऑफ आउटडेटेड हो चुका है। अभी तो हम व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली अगर हमें इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, लेकिन वो काइंड ऑफ प्राइवेट होता है, वहाँ पर जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर हमारा इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टेड होता है। अगर हम बात करते हैं चैट की, जो कि हमारा नेक्स्ट नेटवर्क का एप्लीकेशन है, तो ये भी जो है वो एक इंटरनेट एप्लीकेशन है चैट, जहाँ पर जो है वो पीपल पहले जो है वो टेलीफोन के ऊपर बातें करते थे डिस्टेंट प्लेसेस के, डिस्टेंट प्लेसेस में रहने वाले पीपल के साथ, लेकिन आज जो है वो चैटिंग चलती है। बट द कॉस्ट ऑफ टॉकिंग ऑन टेलीफोन जो है वो बहुत हाई होता था, लेकिन वो कॉस्ट को अभी रिड्यूस कर दिया गया है विद ऑल्टरनेटिव ऑफ चैट यूजिंग प्रोग्राम। यूजर जो है वो चैट के थ्रू कोई भी पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकता है और जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो जारी रख सकता है। तो अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं जिनके अंदर चैट प्रोग्राम चलता है, तो पर्टिकुलर जो आपका जो फ्रंट पर्सन होता है उसे आपके गिवन टाइम के ऊपर वही वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना होता है और तो और आपके साथ वो चैट के अंदर कनेक्ट हो सकता है, और जैसे हम कहते हैं चैट रूम। तो ये बेसिकली वही टाइम डेट सब कुछ होता है जहाँ पर जो है वो आपका फ्रेंड पर्सन आपके साथ चैट करने के लिए मौजूद होता है। सो वहाँ पर जो है वो आप मैसेजेस डिलीवर और सेंड कर सकते हैं। सो ये बेसिकली एप्लीकेशन होता है वो जो कि बहुत चीप होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टेलीफोन लाइन्स, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, और पीपल डिसाइड अ पर्टिकुलर टाइम जिसके अंदर हम इंटरनेट के थ्रू लॉग इन होकर जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी चैटिंग। द कॉस्ट ऑफ चैटिंग एज सेम एज दैट ऑफ लोकल टेलीफोन कॉल। सो ये बेसिकली काफ़ी चीप एक ऑल्टरनेटिव निकाला है एज कम्पेयर दैट ऑफ टेलीफोन लाइन के थ्रू चैट मैसेजेस को डिलीवर करना। सो ये इसका नेक्स्ट यूज़ है चैट। हमारा जो लास्ट एप्लीकेशन है इंटरनेट नेटवर्क का वो होता है हमारा यूज़र ग्रुप्स। सो यूज़र ग्रुप्स भी आजकल बहुत ही पॉपुलर सर्विसेज के रूप में पाए जा रहे हैं इंटरनेट के अंदर, जिसके अंदर जो है वो सर्टेन वेबसाइट्स होते हैं जो कि अलाउ कर दिए जाते हैं यूज़र ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए। साथ ही हम यूज़र ग्रुप्स क्रिएट करके जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के थ्रू इंडिपेंडेंटली कोई भी ग्रुप के अंदर। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली यूज़र ग्रुप प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर हमें रजिस्टर करना होता है विद अ फ्रेंड पर्सन जिसके अंदर जो है वो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है ग्रुप की उसके अकॉर्डिंग। सो बेसिकली आपका कोई एडुकेशनल का ग्रुप है तो आपको वो पर्टिकुलर एडुकेशन उस फील्ड के अंदर जो है आपको रजिस्टर करना होता है, लॉग इन करना होता है, फिर आप जो आप जिस आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं वही अगर वो सेम आइडिया अगर वो ग्रुप शेयर कर रहा है तो आप जो है वो उसके
थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं और आप अपने सारे जो कम्युनिकेशन है वो ग्रुप के साथ कर सकते हैं। तो इससे जो है वो इसे कहते हैं बेसिकली यूज़र ग्रुप्स। सो इसके अंदर हम स्पेसिफिक एम के साथ जो है वो एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड वो पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से शेयर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पर्टिकुलर एक्टिविटी के ओरिएंटेड ही होता है वो। और BBS के अंदर जिस तरह से इन्फॉर्मेशन हर एक को रिसीव हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है वो उसका अपोजिट होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो हम स्पेसिफिक पीपल को दे सकते हैं और ऐसा नहीं होता है कि हम इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है, ऐसा इसमें नहीं होता है। साथ ही जो नॉन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है वो यूज़र जो है वो अवॉइड भी कर सकता है बाई यूजिंग यूजर्स ग्रुप। सो ये बेसिक से सारे एप्लीकेशन हो गए नेटवर्क के। अभी हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो आपको टेक्स्ट बुक के यहाँ पर बैक साइड पे दिए हैं। फर्स्ट है यहाँ पर कुछ MCQs दे रखे हैं। सो फर्स्टली है हमारा द मीडियम साइज नेटवर्क इज नोन एज डैश। सो मीडियम आपको मैंने याद रखने के लिए कहा था कि जो हमारा M है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वही होता है हमारा मीडियम साइज नेटवर्क। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड जो कि होता है मैन। नेक्स्ट होता है FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर फाइल ट्रांसफर प्योर। सो ये बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, इसका आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि है सेकेंड ऑप्शन। थर्ड है इंटरकनेक्टिंग अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स विद ईच अदर यूजिंग ट्रांसमिशन मीडिया इज कॉल्ड एज नेटवर्क या फिर इंट्रा नेटवर्क या फिर वर्क स्टेशन। तो आप देख सकते हैं कि कितने कॉमन से MCQs पूछे हैं यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेटवर्क जो कि हमने इंट्रोडक्शन के साथ बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट है इन डैश कॉन्फ़िगरेशन सर्वर इज एब्सेंट। सो फर्स्ट हमारा था कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट सर्वर वाला जिसके अंदर सर्वर प्रेजेंट था, जबकि दूसरा इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन था प्योर टू प्योर सर्वर जिसके अंदर सर्वर एब्सेंट था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्योर टू सब प्योर। नेक्स्ट है WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वर्ल्ड वेब वेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन जो कि है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट इसके कुछ यहाँ पर जो है वो थियोरेटिकल सब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है डिफाइन नेटवर्क एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सो बेसिकली हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वही होगा जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट मार्क करवाया था, वही है पूरा नेटवर्क और उसी को आप जो है वो कट शॉर्ट करके ब्रीफ में एक्सप्लेन करा सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क। सो ये भी जो है वो मैंने आपको इम्पोर्टेंट मार्क करवाया था और इसके अंदर जो है वो कोई भी आप रैंडमली एप्लीकेशंस चूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसके अंदर हमारा ईमेल आ गया या फिर FTP आ गया या फिर यूज़र ग्रुप आ गया, चैट हो गया या फिर ई कॉमर्स, कोई भी तरह के जो है ईमेल वगैरह जो कुछ भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी डिस्कस किए थे वही आपको लिस्ट डाउन करने हैं, फुल पैराग्राफ आपको लिखना है। अगर आप पॉइंट वाइज कंपेयर करना चाहते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप पूरा लैन का इन्फॉर्मेशन लिख कर वेर एज या फिर कंपेरिजन में आप वैन का इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली उसकी करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। सो ये इस तरह से हम दोनों का डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन एंड पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन में। सो अगर आपको ये शॉर्ट आंसर के अंदर पूछा है तो इसके अंदर बस यही पॉइंट होगा कि इसके अंदर सर्वर प्रेजेंट होता है, सर्वर एब्सेंट होता है। अगर आपको लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हैं ब्रीफ में तो आप पूरे जो पैराग्राफ्स हमने दो डिस्कस किए थे वही आपको पॉइंट वाइज मेंशन करने होंगे आंसर शीट के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट वेरियस नेटवर्क इंस्टॉलेशंस एंड एक्सप्लेन देम। सो अभी जैसे हमने सारे नेटवर्क के इंस्टॉलेशंस के बारे में डिस्कस किया था तो वही आपको वहाँ पर जो है वो पॉइंट वाइज सभी लिखने होंगे। नेक्स्ट है लिस्ट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्किंग एंड एक्सप्लेन एनी टू। सो यहाँ पर दोबारा से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एप्लीकेशंस के बारे में पूछा है नेटवर्किंग का। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया गया है कि कोई भी एक्सप्लेन दो को एक्सप्लेन करना है तो आप अकॉर्डिंगली दो चूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तो नेटवर्क इंस्टॉलेशन का आंसर आपको तुरंत आसानी से पॉइंट वाइज मिल जाएगा अगर आपने ये पूरा इंटायर वीडियो बिना स्किप किए देखा है तो। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट सेवन्थ क्वेश्चन है राइट नोट ऑन चैट ईमेल और ई कॉमर्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशंस बेस्ड जो है वो यहाँ पर जो है वो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैंने आपको टॉपिक को डिस्कस करने के पहले ही कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशंस का, क्योंकि बेसिकली जो है वो अगर हम एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो उसके एप्लीकेशंस जानना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सभी एप्लीकेशंस को रेडी करके रखना है, आपके एग्जाम में ये जरूर पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अकॉर्ड विद द
क्वेश्चंस गिवन एट द बैक समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, आपका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। साथ ही इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम।